जब सारी दुनिया ज्ञान के अंधकार में समा रही थी, अपने आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर सिर्फ भारत ही उन पलों को झेल पाया। भारतवासियों का विश्वास, ब्रह्मत्व और ज्ञान शक्ति के प्रतीक हैं यहाँ के सारे मंदिर। जब धार्मिक पागलपन और अंधविश्वास का प्रहार होता है तो वाराणसी, सोमनाथ, कुंभकोणम, अरक्कोणम, मदुरई, वरंगल, महाबलीपुरम, पुरी, हम्पी, लिपाक्षी, एक नहीं कश्मीर से कन्याकुमारी तक कई मंदिरों को तबाह कर दिया गया। आजादी पाने के बाद भी हमारे मंदिर सुरक्षित नहीं हैं। इसका जीता जागता सबूत है अक्षरधाम का खौफनाक विध्वंस कांड। किसी ने भी यह गलत काम किया है उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। शांति 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 शांति। आप बस यहाँ बैठकर सबको शांति कराते रहिए। बस इसी वजह से कुछ बुरे लोग हर धर्म के धर्म स्थलों पर तबाही मचा रहे हैं। और अगर यही सोचकर हर कोई खामोश बैठा रहा तो हमारे भारत में कोई भी धर्म स्थल सुरक्षित नहीं बचेगा। वो सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही रह जाएगा जिसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं होगी। इस देश की रक्षा के लिए हमारे देश के नेताओं ने कानून बनाए हैं लेकिन लोगों लेकिन इससे फायदा ही क्या है? आखिर मंदिर के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है। फिर अब हमें क्या करना चाहिए? हर धर्म स्थल की रक्षा करने के लिए एक रक्षक मौजूद होता था। हमें ऐसे ही रक्षक को हर जगह के लिए तैयार करना होगा। किस तरह का रक्षक? ऐसा रक्षक जो धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान तक निछावर कर दे या किसी और की जान भी ले ले। और उस रक्षक को हर प्राचीन युद्ध विद्या का ज्ञान होना जरूरी है। मंदिर की रक्षा के लिए जान देने वाले ऐसे लोग कहाँ हैं? हम हैं। कहाँ है पूछ रहे थे ना, तो ये रहे आपके सामने। ठीक है, परंतु इस युग में पौराणिक विद्या सिखाने वाला इस कलयुग में कौन लोग हैं? बिल्कुल है, ऐसी विद्या का ज्ञान पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स के पास है। हिमालय के गर्भ में रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विश्वप्रयाग, देवप्रयाग संगम को पार करेंगे तो पुरातन विद्या के महारथी जो तक्षशिला में आजीवन ब्रह्मचारी हैं। सत्तर की उम्र होने के बावजूद भी उनमें इतनी ताकत है कि वो 100 लोगों को अकेले मात दे दें। बद्रीनाथ के चरणों में रहने वाले उस शख्स का नाम है भीष्म नारायण। पर उनसे मुलाकात कैसे होगी? धर्मो रक्षति रक्षता। अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा कैसे करेगा? मेरी सारी विद्या इन बच्चों को सिखाऊंगा। परसों जो मंत्र सिखाया था वो बोलो। शीरो धनवन प्रदेशे प्रदेशे प्रदेशे। शीरो धनवन प्रदेशे शुचिमणि शुचिमणि।
विष्णु सहस्त्रनाम बहुत ही मुश्किल श्लोक है, मुझे खुद सीखने में एक महीना लग गया था। गुरुजी, हम चरवाहे हैं, हमें श्लोक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। अगर इससे श्लोक गाने में गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए। गुरुजी क्षमा कर दीजिए। इसने बिल्कुल भी गलत नहीं गाया। दूसरे बच्चों की जीभ जो मंत्र पढ़ने में लड़खड़ाती है, इसने एकदम ठीक गाया है और ये अद्भुत है। एक संत अग्राही अपने पुत्र को मुझे दे दीजिए। विष्णु की उंगली में घूमते हुए चक्र में जितनी शक्ति है उतना शक्तिशाली बनाऊंगा। आज से सुख क्षत्रिय के रूप में मैं तुम्हें अपनाता हूं। बद्री, ये तुमसे उम्र में बहुत बड़ा है, अनुभवशाली है, क्या तुम इसे मात दे सकते हो? ना जमीन पर मारूंगा ना आसमान पर मारूंगा। अगर आप इजाजत दें गुरुजी तो जमीन और आसमान के बीच मारूंगा। भारत की कोई भी भाषा या प्रांत इस विद्या से अनजान नहीं है। बिना किसी शस्त्र के ये एक साथ 100 लोगों को खत्म कर सकती है। हमने जो विद्या सीखी है उसे हमारे परिवार के लिए या हमारे खुद के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्षेत्र धर्म के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। हम अपने धर्म की पूजा करेंगे और दूसरे धर्म की इज्जत करेंगे। क्षेत्रपालक का काम करने के लिए अपने अपने क्षेत्र चुन लें। राम, काशी गुरुजी, महेंद्रनाथ, अमरनाथ गुरुजी, बद्री, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ आदि मंदिर है। साक्षात श्री हरि विष्णु ने पहली बार इस धरती पर जहां अपने कदम रखे थे, ओम नमो नारायण अष्टाक्षरी मंत्र का जन्म स्थल है। दादाजी, 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 क्या हो गया आपको? देखिए ना, दादाजी को क्या हो गया है? दादाजी,
ये जंगली इलाका है, यहाँ पेड़ पौधे हैं, यहाँ सिग्नल नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था ताऊ जी बद्रीनाथ का सफर नहीं कर पाएंगे, मेरी सुनता कौन है? बॉडी ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर मंगाना पड़ेगा, पहले मेरी बात सुन लेती तो ये नौबत नहीं आती। दादाजी, दादाजी, नमस्ते बाबा, खुश रहो। दादाजी, दादाजी, ये सुपर हीरो कौन है? क्या हुआ? क्या हुआ है? पता नहीं अचानक किरे क्या हो गया, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। गया। मुझे रास्ता दीजिए। क्या कर रहे हो तुम? पहले ही सांस नहीं ले पा रहे हैं और तुम मिट्टी लगा रहे हो। चुप रहो, ये नारायण पहाड़ की मिट्टी है, इसके जर्रे जर्रे में श्री हरि विष्णु है। रास्ता दीजिए, हमें आने दीजिए। बद्री, सबको आरती दो। खत्म कर इसे। ए रोक, स्वामी जी मेरी पोती नादान है, उसका भगवान में यकीन नहीं, आप उसे कहकर मेरी पोती को बचा लीजिए। बद्री, उस लड़की को बचाओ, आदेश है मेरा। अलकनंदा, बद्री जी, गुरुजी, जिस लड़की को भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है वो यहाँ नहीं रह सकती, वापस जाने को कहो इसे, और इसने जो पाप किया है प्रायश्चित के रूप में इसे 1,00,000 दिए जलाने होंगे। 1,00,000? बाप रे, 1 दिए के बदले में 50 चलेगा, 100 भी चलेगा, 1,000 भी चल सकता है, लेकिन 1 के बदले में 1,00,000 दिए, ये कैसा इंसाफ है? मैं चुप। ठीक है, देखो दिल से जलाओगी तो जलेंगे, लेकिन दिल में श्रद्धा ना हो तो ऐसे ही बुझते रहेंगे। श्रद्धा से कैसे जलाएंगे? माचिस से जलेंगे? नहीं जलेंगे, ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षरी मंत्र मन में पढ़कर जलाओगी तभी जलेंगे। क्या कहा? एक तो 1,00,000 दिए जलाओ, ऊपर से 1,00,000 बार मंत्र पढ़ो, ये इससे नहीं हो पाएगा। करना ही होगा। हाँ तो करवा लो। जला कर दिखाता हूँ, देखो। अलकनंदा, दिए ऐसे ही जलेंगे, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, मंत्र पढ़ो और दिए जलाओ। हा? बोलो ओम नमो नारायणाय, तरीका यही है। ओम नमो नारायणाय। हम्म,
अलकनंदा, उसे मत जगाओ बेटा, कम से कम आज की रात उसे भगवान के चरणों में सोने दो। बात क्या है, इसे भगवान से इतनी नाराजगी क्यों है? बचपन में एक रोज उसकी माँ हवन में कपूर डालते वक्त आग के लपेटे में आ गई। इस धागे से तुम्हारी हर बला हर मुसीबत टल जाएगी। और ये खौफनाक मंजर उसकी आंखों के सामने हुआ था, इसीलिए अलकनंदा का विश्वास भगवान पर से उठ गया। ये जानने के बावजूद आप उसे यहाँ इस मंदिर में क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि इस वक्त उसके सर पर खतरा मंडरा रहा है। सरकार की गाड़ी आ रही है। माँ, इसका कत्ल भी पिताजी ने ही किया। पिताजी के खिलाफ बोल रहा था, सोचा हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। सरकार बाहर गए हैं, अंतिम क्रिया के बाद हमसे आकर मिलो। बिना वक्त गवाए अंतिम संस्कार करो। बहन जी जरा रुकिए। मेरे पति जब जिंदा थे तब उन्होंने मुझे एक नसीहत की थी कि जब तक कोई बड़ा शख्स आकर मेरे मुंह में तुलसी का पान नहीं डालता तब तक अंतिम संस्कार नहीं करना। मैंने फोन किया था, बस आते ही होंगे। कौन है वो बड़ा शख्स? जेडी नायडू। दादाजी नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैं आई हूँ। बस वो तुलसी का पान इनके मुंह में डाल दीजिए। क्यों, ऐसा करने से जिंदा हो जाएंगे? मुझे ये सारा ढोंग नहीं आता है। ये पैसे रखिए अपने बच्चों के लिए। मेरे भाई ने तुझे सड़क से उठाया, लेकिन तुझ में इतना घमंड क्यों है? चाहूं तो तेरा घमंड चकना चूर कर सकती हूँ। बस मेरी बहू बनकर मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे तू, मुझे अपनी सास बना ले और जिस पिता ने तुझे गोद लिया था उसकी आत्मा को शांति पहुँचा। मेरे पिता की आत्मा की शांति की फिक्र आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो आपको बुआ कहने में भी शर्म आती है, और आप चाहते हैं कि मैं आपको सासू माँ बुलाऊं? आपने अपने ही शादी के मंडप से भागकर अपने पिता को बेइज्जत किया था, फिर आप मुझे क्या इज्जत देंगी? आपसे तो बात करने में भी घिन आती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैंने आपकी बात का जवाब ही क्यों दिया। जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक मेरे मुंह से सासू माँ लफ्ज नहीं सुन सकती। चला खोल। ए, कौन हो तुम लोग, ये सब क्या कर रहे हो? अब आंख खुली, हजार बार समझाया पर तू समझा नहीं। तेरी पोती ने अब हद पार कर दी है, पूरे समाज के सामने मेरी माँ की बेइज्जती की। अब मुझे तेरी जायदाद और तेरी पोती दोनों चाहिए, और सरकार के बारे में तू जानता ही है, अगर उन्हें जरा भी भनक पड़ी तो तेरे पूरे खानदान को जिंदा काट देंगे। अगर मैं चाहता तो वहीं पर उसके टुकड़े कर सकता था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे रोक लिया। उसे अपनी इस गलती की सजा जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। ये जिंदगी कब तक है कोई नहीं जानता। मैं उसे अपनी पूरी जायदाद दे सकता हूँ, लेकिन उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। बस इसीलिए उसे लेकर यहाँ आया हूँ। अब भगवान के लिए उसके दिल में यकीन जगाना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरे दादाजी, आप बेफिक्र हो जाइए, ये मेरे लिए चुटकी बजाने जैसा है। 7 दिन, सिर्फ 7 दिनों में अलकनंदा बद्रीनाथ के गुण गाने लगेगी। तुम क्या कर रहोगे? 7 मिनट में हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं, चलिए दादाजी। अरे रुक जाओ बेटा, परसों पूर्णमासी है, उसी दिन तो तुम्हारे माता पिता गुजरे थे ना। कहते हैं उस दिन ब्रह्म कपाल में पिंड दान करना अच्छा होता है, ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए।
इससे उनको शांति मिल जाएगी बेटा। दादाजी मेरा कहा नहीं मानोगी? अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं इसीलिए यहाँ रुक रही हूँ। इसका चेहरा तो मुझे पसंद ही नहीं है। हो ही नहीं सकता, इस गांव में बद्री के चेहरे से खूबसूरत कुछ नहीं। ऐसा कोई शख्स नहीं जो इस वसुधारा के आगे मेरे सामने सर उठाकर बात करे। सीएम हो या पीएम हो, सर झुकाना ही पड़ता है। अच्छा तू क्या इतनी बड़ी तोप है? मैं कितनी बड़ी तोप हूँ, एल्बम देख ले, हिल जाएगा। ओ तेरी, तेरे ओ तेरी पे मुझे डाउट हो रहा है। फोटोशॉप तो ठीक से करता, मैंने भी कोर्स कर रखा है, मुझसे कहता तो सस्ते में करता। अरे मेरा काम तुझे फोटोशॉप लग रहा है? बारूद के बेटे हो क्या, आग उगल रहे हो? ओ भाई मुझे आधा टकला क्यों छोड़ दिया? बाकी की हजामत ये करेगा। मेरे घने बाल की कसम, मुझे दाढ़ी कभी नहीं आई, मुझे बख्श दो। आज तुम नहीं बख्शे जाओगे, ये ले। नहीं। पकड़ो उस्त्रा, शुरू हो जा। अरे ये क्या, सर से खून निकल रहा है। वो क्या नारियल पानी निकलेगा, जाके पट्टी लगवाओ, बाकी का डॉक्टर से कटवाओ, मना करे तो मुझे बुला लेना। आप निकलो। बीबी को बुला दो। पर किस लिए? मुंडन करवाने। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ ने तिरुपति ले जाकर मेरा मुंडन करवा दिया था। वो माँ ने करवाया था, आज मैं करूँगा। लेकिन आप ऐसे जुल्म करते ही क्यों हो? चुपचाप मुंडन करवा। और अगर नहीं करवाया तो क्या करेगा? खा कर फेंक दूंगा। गरीब के साथ तो ऐसे ही करता। और निकाल, ये पैसे फलेंगे नहीं तुझको, जा ले जा। जीएसटी ऐड किया भाई, एडजस्ट कर लेना, वापस भी जाना है। वही तो कर रहा हूँ, जीएसटी डाल दे। बीबी का दिल दुखाकर नहीं आना चाहिए था, उसी की हाय लगी है। मैं तो मजाक कर रहा था, इसने कैश दे दिया। ये ले भाई पूरे हैं, ये ले। शुक्रिया भाई। जाओ। ए, कैसे हो बद्री? जेब नहीं। ठीक है बद्री, तुम्हारे रहते कैसे काट सकता हूँ। नमस्ते बाबा। हाँ बद्री, कैसे हैं? माँ का आशीर्वाद। गौर से सुनिए, जिसके मन में भगवान के लिए श्रद्धा नहीं है, जो गुनहगार फरेबी या धोखेबाज हो, वो वसुधरा के पास नहीं जाएगा। क्यों जाएंगे तो क्या होगा? वसुधरा गिरना बंद हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। पानी को इसका क्या ज्ञान है? यहाँ की प्रकृति में पापियों को पहचानने की ताकत है। ओ, मेरी नजर में तो दुनिया का सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ। हमारी सोच बहुत मिलती है, इसीलिए वहाँ मत जाओ। अब तो मेरी जिद है, वहाँ जाके देखता हूँ ये कितना सच है। तो जाओ आजमा। मेरे जैसे पापी को कोई नहीं पहचान पाया, ये पानी क्या पहचानेगा, देखते हैं। अरे अब देखता हूँ। अरे रुक जाओ, बेशरम और बेहूदा इंसान, आखिर इस पवित्र स्थान पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे ये कौन नास्तिक है, इसे बद्रीनाथ से निकालो। जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, पापी हूँ तो कुछ भी बोलेंगे। मैंने बड़े बड़े पापी देखे हैं, पर तुम तो महापापी हो। पानी के पास पहुँचते ही पानी गायब, कहाँ से हो? और क्या जानना है तुझे, अभी अभी तो हकीकत पता चली है। स्वामी जी बहुत गुस्से में है। बद्री शुक्र है पानी बोलता नहीं है, वरना आज पहाड़ी से मुझे नीचे फेंक देते। बाल बाल बच गया मैं, इसीलिए मना किया था। आप जाइए। नहीं ताऊजी, आप चुप जाइए। अलकनंदा, ताऊजी ने एक इंसान है इसलिए उन पे पानी गिर रहा है, लेकिन तुम वहाँ गलती से भी मत जाना। समझो मेरी बात, समझो, मैं तो किसी तरह बच गया, लेकिन तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। आदमी गलत हो लेकिन बात सही करते हो। तुम चाहे कितने भी जन्म ले लो, वसुधरा तुम पे नहीं गिरेगी। ए, वैसे मैं चाहती भी नहीं हूँ कि वसुधरा मेरे ऊपर गिरे। क्या यार, दादाजी ने तो बातों में फंसा लिया है, पता नहीं कब तक रुकना पड़ेगा। चलो खेलना शुरू करते हैं। हम क्रिकेट खेलने वाले हैं जिसमें 11 लोगों की जरूरत होती है। तो अब क्या करेंगे? रुको, 5 मिनट में फील्डर्स मिल जाएंगे, वो रहे प्लेयर्स। हे फ्रेंड्स। लड़की हमें बुलाने की वजह? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? जा नहीं रहे, आ रहे हैं, वेद पाठशाला से यहाँ आ रहे हैं।
और हाथ में कौन सी किताब है? हाँ? इस सृष्टि का सारा ज्ञान इस किताब में मौजूद है। ऐसा क्या? कुछ भी पूछती हो, पूरी कायनात में ऐसा कुछ नहीं जिसका जवाब मुझे नहीं पता। आहा, तो तुम्हें सब कुछ मालूम है? कोई शक? अच्छा, तो चलो तीन सवाल पूछती हूँ, जवाब दोगे ना? जो भी है पूछो। बाहुबली कौन है? हाँ, बाहुबली। ए, सब लोग इधर आओ। आ गए। छे, अब ये बाहुबली कौन है? गुरुजी ने इसका जिक्र कभी नहीं किया, तुम्हें पता है क्या? नहीं, मेरा तो नया एडमिशन है। नहीं जानते क्या? बजरंग बली सुना है, महाबली सुना है, आपके बाहुबली का जिक्र इस किताब में नहीं है। देखा, मुझे पता था कि इसका जवाब तो मिलेगा। हाँ, ठीक है ठीक है, आखिर वो है कौन? बाहुबली मतलब माहिष्मति का राजा। हाँ, अच्छा अच्छा, मैं उनके बारे में जानता हूँ। अच्छा बेटा। अगला सवाल, तुम चिरंजीवी के बारे में तो जानते ही होगे। चिरंजीवी? तुम्हें ऐसा सवाल करने में शर्म आनी चाहिए, पूरी दुनिया में चिरंजीवी को बच्चा बच्चा जानता है। ये मेगा स्टार कभी बद्रीनाथ आया था क्या? मालूम नहीं। अब चिरंजीवी का जिक्र इस किताब में है क्या? बिल्कुल, बजरंग बली का जिक्र इस किताब में क्या पूरे विश्व में है। अच्छा, तुम उनके बारे में बात कर रहे हो। और क्या? मैंने उनके बारे में थोड़ी बात की, मैं तो मेगा स्टार के बारे में बात कर रही थी। मुझे यह फिल्मी दुनिया का कुछ पता नहीं, आप और कुछ पूछिए। अच्छा ठीक है, कुछ और पूछती हूँ। हाँ, तुमने धोनी के बारे में तो सुना क्या ही होगा? कहा? तुम तो पूरा आउट ऑफ सिलेबस पूछ रही हो, अब ये धोनी कौन है? तो मैं बताती हूँ, वो क्रिकेटर है, उन्होंने हमें वर्ल्ड कप भी जिताया था। चाय का कप सुना है, ये वर्ल्ड कप क्या है? तुम विष्णु जी के प्रिय खेल का नाम नहीं जानते? हाँ, श्री हरि विष्णु का प्रिय खेल। और नहीं तो क्या, तीन सवाल तो पूछ लिए, अब ये तीन विकेट देखो। ये खेल कैसे खेलते हैं? आसान है, उस बीच वाले स्टंप पर लगेगा तो सीधा स्वर्ग जाएंगे। हाँ, और बाजू वाले को लगा तो भी स्वर्ग में ही जाएंगे। हाँ, जय बजरंग बली। सबर सबर, ये श्री हरि विष्णु का पसंदीदा खेल है, पत्थर से नहीं खेल सकते। फिर आप ही बताएं क्या करें? इससे खेलना है। ये क्या है? लड्डू। लाल रंग का लड्डू, लेकिन इसमें धारिया कैसी? लड्डू इसके अंदर रखा हुआ है, इसीलिए बाहर से सिलाई है। शुरू हो जाओ। जय बजरंग बली। गजराज क्रोधित हो गए हैं, भागो भागो भागो, अपनी अपनी जगह भागो। अरे विष्णुगज, पीछे हटो। क्या हुआ था? संस्कृति का ऐसा मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? छी। पिता नमस्ते अस्तु मामाहिगुम्से। अपने पिताजी का नाम बताइए। जिनके नाम से पूजा हो रही है वो मेरे पिताजी नहीं, मेरा बेटा और बहू है। देखिए, जन्म देने वाले का ऋण चुकाने के लिए यहाँ पर पिंडदान किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार पिता पुत्र को पिंड नहीं दे सकता। अगर ऐसा है तो फिर मैं ये करना चाहूँगी। औरत ये काम नहीं कर सकती। अगर आपकी शादी हो गई हो तो आपके पति पिंडदान कर सकते हैं, और न हुई हो तो आपके रिश्तेदारों में से कोई भी कर सकता है, आप कर दीजिए। ये मुमकिन नहीं है, मेरे गुरुजी ने कहा है किसी को अपने हाथ से खाना मत खिलाना, इसलिए मैं नहीं कर सकता। वैसे पंडित जी, आपकी जान पहचान में कोई होगा जो कर देगा, उसी से करवा लीजिए, खुशी से कुछ दे दूंगा। पैसे के लिए कोई पिंडदान नहीं करता। ये तो नाइंसाफी है, अपने माँ बाप के लिए मैं पिंडदान क्यों नहीं कर सकती? अच्छा तो मैं चलता। रुक जाइए पंडित जी, मैं करूंगा। तुम कैसे कर सकते हो? क्यों ना करूं? रस्म और रिवाज भलाई के लिए होते हैं, किसी को नाराज करने के लिए नहीं। शायद आप नहीं जानते कि अलकनंदा भगवान से नाराज है, क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु मंदिर में हुई थी। उसकी नाराजगी जायज है, उसका मन परिवर्तन करने के लिए ये पिंडदान होना जरूरी है। उसके माता पिता का पिंडदान करना मैं अपना भाग्य समझूंगा। आप शुरू कीजिए। चिन्नकारी मूढ़ाचारी सधर्मस्था वर निश्चारी।
किसका शुक्रिया अदा कर रही हो बेटा, बद्री का या बद्रीनाथ का? बद्री का है। लोगों ने अमरनाथ के लोगों को बंदी बना लिया है और उनकी ये मांग है कि उनके साथी को जेल से फौरन रिहा कर दिया जाए। ऐसा ना करने पर वो उन बंदियों को जान से मार देंगे। मसूद असर, क्या हुआ? तुम्हें 5 मिनट का वक्त देता हूँ, उतने वक्त में यहाँ से निकल जाना। आखिर तू है कौन जो मुझे वक्त देगा? एक, तू जानता नहीं है मुझे, बख्शूंगा नहीं। दो, लगता है पहला नंबर तेरा ही है। तीन, और तेरे बाद इन सब का, इन सब को मार डालूंगा। चार, पांच, हो गए 5। अब क्या? बद्रे, बद्री, तुम्हारे पास भी 5 मिनट का वक्त है, इनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए। बद्री मेरा हथियार है, वज्र जैसा बलशाली। वसुधारा, कितने भी जन्म ले लूं तब भी मेरे ऊपर एक बूंद भी नहीं गिरेगी, ऐसा कहा था बद्री ने, और अब मुझे उसी से मोहब्बत हो गई है। मेरे दिल में वो बस गया है। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मेरे ऊपर बरसो ना। दोनों ही मुमकिन नहीं है, पानी भी नहीं और बद्री भी नहीं। क्यों, आखिर मुझ में क्या कमी है? वो भगवान के चरणों में रहना पसंद करता है। जब से उससे मोहब्बत हुई है उसकी हर पसंद अब मेरी है। अब बद्री भी पसंद है और बद्रीनाथ भी। ओहो, उसने मेरे दादाजी से वादा किया था कि वो मुझे बदल देगा। जल्दी से जाकर बद्री को कह दो कि मैं भगवान के सामने नमन करने के लिए तैयार हूँ, खुश हो जाएगा। अभी जाकर बताता हूँ। आ,
दया करना। दिखाई नहीं देता तुझे, नजरें कमजोर हैं क्या? आपकी भी तो नजरें हैं। है? देखा कैसे तोते की तरह जबान चला रही है। ये अमीर घर की लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं, दिमाग नहीं चलाती हैं, सिर्फ जबान चलाती हैं। क्या रे लड़की, चेहरा तो ऊपर वाले ने बहुत सुंदर बनाया पर बाप ने कुछ नहीं सिखाया तुझे। मेरा बाप मेरे लिए क्या करता है क्या नहीं करता उससे तेरे को क्या मतलब? एक तमाचा दूं क्या? तमाचा लगाई लगा। अरे अरे क्यों लड़ रहे हो? देखो तो ये बेहुदा लड़की कितनी बदतमीजी कर रही है। मुझे जलील करेगी। क्या कर रही हो तुम, इन्हें जानती हो क्या? ये बद्री के माता पिता हैं। अब लड़ो। इसे बिजली का झटका क्यों लग गया? इसे क्या समझती हो, ये बद्री से मोहब्बत करती है, आपकी होने वाली बहू। अब हाथ उठाओ। नमस्ते सासु माँ। अरे देखो तो जरा, इतनी तहसी वाली लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। क्या परवरिश की है इसके बाप ने ऐसा? वैसे कितना माल है इसके पास? 5,000 करोड़। इतनी रकम सुनते ही सांप सूंघ गया। तो 5,000 करोड़ कितने होते हैं? आसमान से लेकर जमीन तक की सीढ़ियां लगा सकते हैं इतने पैसों में। अरे अरे कितनी धूप है, ये मोम जैसी बेचारी पिघल जाएगी। तो धोकर तो पहनना चाहिए था। बेटी हम जैसे अमीरों को धूप में नहीं खड़े रहना चाहिए। हमारे जैसे हम दोनों अमीर जो है रातों रात अमीर हो गए। क्यों ना बहुरानी जी। सासू माँ सुनिए जी, गुरु जी ने हमें इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया, कुछ समझ में आया आपको? क्यों बुलाया? अरे बद्री और इसकी शादी की बात करनी होगी ना। ऐसी बात है तो चलो। अब मोम की परी पिघलना नहीं, धूप बहुत है। किसे ढूंढ रही हो? बद्री। इधर जाओगी तो लव मैरिज होगी या नहीं कह नहीं सकते, पर इधर जाओगी तो अरेंज मैरिज जरूर होगी। आइडिया अच्छा है। जरा देखो तो अपनी बहू रानी को। वो तो है। आजा, मैं यही इंतजार करती हूँ, आप लोग जाइए। अच्छा, जाइए ना। नमस्कार स्वामी। नमस्ते गुरु जी। आओ गोविंद। आपने किसी जरूरी काम के लिए बुलाया था? तुम्हारे बेटे को लेके एक जरूरी फैसला किया, उसी बारे में बात करनी है। मैंने कहा था ना वही बात है। फैसला क्या है? अमरनाथ को आतंकवादियों के हाथ से बचाकर बद्री ने मेरा नाम रोशन किया है। आपका शागिर्द जो है स्वामी जी, मेरी प्राचीन विद्या को तुम्हारा बेटा ही आगे ले जा सकता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद बद्रीनाथ का वारिस वो बने। जो हुकुम स्वामी जी, वो आप ही का बेटा है। पर उसकी एक शर्त है, जो मेरा वारिस बनेगा उसे आज जन्म ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। मेरा बेटा शादी नहीं कर सकता? कभी नहीं कर सकता। इतने सालों से तक्षशिला की रक्षा करने के लिए मैं, मेरे गुरु, उनके गुरु सब ब्रह्मचारी ही रहे। माँ बाप होने के नाते आप दोनों की सहमति चाहिए, सोच कर बताइएगा। ये क्या हो गया जी, ये गुरु जी क्या कह रहे हैं? हम अपने बेटे को भला ऐसे कैसे देख सकते हैं? इस मासूम का तो सोचिए। ये वक्त उस लड़की के बारे में सोचने का नहीं है, अपने बेटे के बारे में सोचने का है। शादी करना, परिवार बनाना इंसान ही नहीं पशु भी करते हैं, मगर तक्षशिला का वारिस बनना करोड़ों में एक की तकदीर में होता है। हमारा बेटा तकदीर वाला है, आंसू मत बहाओ। आपको इसे मन से स्वीकारना होगा, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। हम राजी हैं गुरु जी। गुरु जी एक बार अगर बद्री से पूछ लेते तो। वो मेरा शिष्य है, मेरी बात नहीं टालेगा। अलकनंदा, अलकनंदा, यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो प्रणाम करने वाली थी, कैसे करोगी? हाथ जोड़ कर करोगी या जमीन पर लेट कर या फिर ऐसे गोल घूम कर? मैं नहीं करूंगी, मुझे नहीं करना है। पर क्यों, तुमने अचानक मन क्यों बदल लिया? तब कहा था, अब मन बदल लिया है। ऐसा क्या हो गया है? मुझे जिससे मोहब्बत हुई है
वो मुझसे दूर जा रहा है। तुम मुझे उसका नाम बताओ, तुम्हारे कदमों में ले आऊंगा उसे। उसका नाम है, मेरी बात नहीं टालेगा। जाने दो। तुम क्या, बद्रीनाथ भी शादी नहीं करवा सकते? बस, इस पवित्र जगह के बारे में जानते ही क्या हो? कलाखंड ज्योति जलाकर 6 महीनों तक मंदिर के दरवाजे बंद करने का शुभ दिन है। 6 महीनों तक मंदिर बर्फ से ढका रहेगा और 6 महीनों बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाएंगे तब भी अखंड ज्योति जलती हुई मिलेगी। हाँ, सच कह रहे हो? बिल्कुल, हमारी धरती पर भगवान के होने का यही सबूत है, इसीलिए पूरी दुनिया माथा टेकने बद्रीनाथ मंदिर आती है। कल उस अखंड ज्योति को देखकर अपने मन की इच्छा मांगोगी और 6 महीने बाद उसी ज्योति के फिर से दर्शन करोगी तो जिसे चाहती हो उससे शादी हो जाएगी। वाकई? हाँ, लेकिन एक शर्त है, उस बद्रीनाथ के चरणों में ब्रह्म कमल रखने के बाद ही तुम्हें वो इच्छा मांगनी होगी। कहाँ मिल सकता है ये फूल? मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ। नमस्ते सरकार। क्या हुआ, यहाँ कैसे आना हुआ? मेरी बेटी को एक सड़क छाप लड़के से प्यार हो गया है और मेरी इज्जत पे बनाई है। उस लड़के को खत्म कर दो, आपके लिए 50 करोड़ रुपए लाया हूँ। ध्यान से सुन मिनिस्टर, आज तक मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया। गरीबों को बस्ती से हटाकर तेरे नाम जमीन करवाई। तुझे हुकूमत चाहिए थी दिलवाई, पर तुम भले ही अपनी जायदाद दे दो लेकिन प्यार के मामले में मैं हाथ नहीं डालता। नमस्ते सरकार। तुम्हारे पति के अंतिम संस्कार में नहीं आ पाया, उसके लिए माफ करना। अच्छा, तो तुम मुझे बताओ इन अस्थियों को तुम कहां विसर्जन करना चाहती हो? मैं इंतजाम करवा देता हूं। इनके अंतिम संस्कार पर ही आपकी पत्नी की बेइज्जती हुई थी। क्या हुआ? आपने अपने ही शादी के मंडप से भागकर अपने पिता को बेइज्जत किया था, फिर आप मुझे क्या इज्जत देंगी? जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, तब तक मेरे मुंह से सासू मां लफ्ज नहीं सुन सकती। उसे खत्म कर दूं? उसे खत्म करने के लिए मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा क्या? अगर मैं अपने बेटे को ना रोकती तो वो उसे वही मार देता। उसका गुरूर तब टूटेगा जब मैं उसे अपने घर की बहू बनाकर ता उम्र गुलामी करवाऊंगी और उसकी जिंदगी जहन्नुम से बदतर कर दूंगी। और इस बात को तुम कैसे अंजाम दोगे ये तुम पर है सरकार। वो है कहां? हेलो बब्बन स्पीकिंग फ्रॉम हियर। अलकनंदा कहां है? यहां बद्रीनाथ में एक बद्री नाम का लड़का है, अलकनंदा को उससे क्या मतलब? अलकनंदा को उससे प्यार हो गया है। वो है कौन? उस लड़के के बारे में ज्यादा जानने के लिए 15 नवंबर का न्यूज़पेपर और मैगजीन देखें, बस वही दिखेगा। सुबह होने से पहले वो मेरे सामने होना चाहिए। विकी, इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? पैसा, पावर और राजनीति? नहीं, मोहब्बत। आज तक हमने जितने भी जुर्म किए पैसे के लिए किए, पावर के लिए किए, लेकिन पहली बार प्यार का सामना हो रहा है। मोहब्बत की ताकत का अंदाजा नहीं है तुम्हें? तख्तो ताज, सल्तनत सब बर्बाद हो गई। बद्री को खत्म करो और उसके बाद ये कंफर्म करना कि वो मरा है या नहीं। जिस्म को देखकर नहीं, धड़कन को देखकर। अगर वो जिंदा बचा तो अलकनंदा को लेकर मत आना, जाओ। ठीक है डैड। बद्री, यहाँ जानवर रहते हैं क्या? हाँ, बहुत रहते हैं। वैसे तो मुझे किसी भी जानवर का खौफ नहीं, लेकिन तुम्हारे कहने से जाते हैं ना? मेरे कहने से जाने के लिए मंदिर के हाथी नहीं है, ये जंगली जानवर है। क्या नहीं, सवाल बहुत हुए, अब चलो। जरा संभल के, यहाँ गिरी तो चेहरे का नक्शा बिगड़ जाएगा। रुको, मैं क्यों डरूं? तुम मेरे साथ हो ना? ओफो, ये फूल बगीचे में नहीं खिल सकता था क्या? मुश्किल तुमने अब देखी कहाँ है, चलो।
इससे भी बड़ी मुश्किल है, मुझसे शायद नहीं होगा। जल्दी करो, रुको ना। इतनी जल्दी हार गई? प्यार को हासिल करना है ना तो चलना पड़ेगा। और कितना चलना पड़ेगा, जिंदगी में पहली बार इतना लंबा सफर तय किया है, वो भी बिना चप्पलों के, ऊपर से साड़ी भी पहनी है, और तुम मुझे पूरा जंगल घुमा रहे हो, मुझसे नहीं तो प्रेम कहानी अधूरी रहेगी। अपने प्यार को भूल जाओ। क्यों बद्री जी, क्या बात है, क्या हो गया, थक गए क्या? चलना पड़ेगा, कहा था ना चलना पड़ेगा। लेकिन उस तरफ नहीं चलना है, यहाँ जाना है। क्या? हाँ, इसके आशिक की तो किस्मत ही फूटी है। जरा संभल के, यहाँ सांप होते हैं। और कितना डराओगे? बाबा सुनिए। बोलो बद्री, वहाँ ब्रह्म कमल है क्या? वहाँ नहीं है, तुम्हें नीलकंठ पहाड़ के उस पार जाना होगा। ये गई काम से, चलो। अब बद्री, एक तरकीब है, उसे कहो जाकर फूल ले आए और फिर मैं अपने हाथ से चढ़ा दूंगी, ठीक है ना? भूख लगेगी तो अपना खाना खाओगी या किसी और का छीनोगी? मोहब्बत तुम्हारी है, शादी तुम्हें करनी है, तो फूल भी तुम्हें ही तोड़ना और तुम्हें ही लगाना है। चलो। वो देखो, वो रहा ब्रह्मा कमल। अरे संभल के, वो पुल बर्फ से बना है। हाँ? शहर के मजबूत पुलों से ज्यादा तो ये वाला मजबूत होगा। तुम जानती हो ना, तुम पागल हो। मेरी मदद कर सकते हो प्लीज? अरे घबराती क्यों, चलो फिर से कोशिश करते, मैं हूं ना। चलो कोशिश करो। मैंने कहा ना नहीं गिरो, घबराओ। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। अरे मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, घबराती क्यों? मैंने कहा ना मुझे। अगर इस बार फूल नहीं तोड़ा ना तो तुम नहीं गिरोगी, मैं गिरा दूंगा। चलो जाओ। हर कदम पर रुकावट आ रही है, लगता है तुम्हारी मोहब्बत सच्ची नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, मेरी मोहब्बत के सामने तो हीरा भी फीका है। बद्री कहाँ है? मालूम नहीं गुरु जी, कल रात से उसका कोई पता नहीं है। जाओ जल्दी ढूंढो उसे। जल्दी आओ, मंदिर बंद होने वाला है। दादाजी इसी खतरे के बारे में कह रहे थे। अगर मरना नहीं चाहता तो लड़की को हमारे हवाले कर दे। जो भी कहेगा सोच समझ के कहना, वरना जिंदा नहीं लौटेगा। अलकनंदा, तुम्हारी इच्छा पूरी होनी ही चाहिए, इसी वक्त मंदिर जाकर फूल चढ़ा दो, जो बीच में आएगा उसका सामना मुझसे होगा। जाओ। Thank you.
मंदिर में जाओ। तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों? अगर इनके साथ गई तो ये मुझे आने नहीं देंगे। तुम वादा करो 6 महीने बाद दर्शन कराओगे तभी जाऊंगी। की कसम है, सिर्फ ये क्या इसकी साथ पुछते भी आ जाए तो भी एक एक को खत्म करके 6 महीने बाद बद्रीनाथ के दर्शन तुम्हें मैं खुद कराऊंगा। वादा करता हूँ, जाओ। अपने अपने फूलों पर नाम लिखिए। आपने जो मन्नतें ज्योति का दर्शन करके मांगी हैं, ठीक 6 महीने बाद इसी ज्योति का दोबारा दर्शन करके आपकी वो सारी मन्नतें जरूर पूरी होंगी। अब तक मुझे किसी भी भगवान पर भरोसा नहीं था, लेकिन अब पूरे मन से आप पर भरोसा कर रही हूँ। बस किसी भी हालत में बद्री से मेरी शादी करवा दीजिए। प्रभु, तुमसे आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांग रहा हूँ। बद्री को तक्षशिला का वारिस बना के मेरी इच्छा पूरी करो भगवान। इस तरह इसको हराना मुमकिन नहीं है, इसकी कमजोरी भगवान है। हटाओ।
बच गया। बद्री, बद्री, हे बद्री, 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 मेरी वजह से तुम्हारा यह अश्रु हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है अलकनंदा, इस क्षेत्र की रक्षा करना मेरा फर्ज है। भोली भाली लड़कियों का फायदा उठाता है ये। अरे ये मर चुका है, चलो जल्दी चलो। अरे उसे तू चल चल चल, इससे पहले कि लोग हमारी धुलाई कर दे, चलो हट जाओ। हट जाओ सामने से। अरे चल, मर चुका है। चल अलकनंदा, बद्री, 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 अलकनंदा। सभी तीर्थयात्री गौर से सुनिए, आज से 6 महीने तक ये क्षेत्र पूरी तरह से बंद रहेगा, क्योंकि इस दौरान यह पूरा इलाका बर्फ से ढका रहता है, इसलिए किसी भी दुर्घटना को टालने के लिए यह कदम उठाया गया है। 6 महीने के बाद तीर्थयात्री फिर से बद्रीनाथ धाम का दर्शन कर सकते हैं। पहुंच गए। आहा, क्या शानदार नजारा है। अरे बेटे जूते उतार दे, घिस जाएंगे। अरे आप लोग जूते क्यों निकाल रहे हो, पागल हो गए हो क्या? अरे पगली, पहाड़ी इलाका है ये, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है? हम नंगे पांव चले या जूते पहन के, वहाँ किसको पता चलने वाला है? पापा, मेरे नन्हे दिमाग में एक आइडिया आया है, हम पेटा के लोगों को बताएंगे कि हम यहाँ सोने की चप्पल पहन कर घूम रहे थे, कैसा लगा? तू तो लाजवाब है। शर्म आ गई। ए, कहाँ जा रहे हो? अपने पिताजी की अस्थियों को विसर्जित करने बद्रीनाथ जा रहे हैं। ये क्षेत्र बंद है, 6 महीने बाद आना। क्या 6 महीने बाद आऊं? अरे भैया, हमें आने में ही 6 महीने लग गए। देखो भाई, तुरंत जाके आ जाऊंगा। कहा ना ये मुमकिन नहीं है, फिलहाल यहाँ किसी को भी आने की इजाजत नहीं है, वापस लौट जाओ। मैं किसी भी हाल में वापस नहीं जाऊंगी, नीचे गांव में एक लॉज है ना, हम सब वहीं रह लेंगे। लॉज का बिल तेरा बाप भरेगा क्या? हाँ, मेरे बाप से ही दिलवा दूंगी, पर वापस नहीं जाऊंगी। पापा, हम 1 स्टार में रुककर 5 स्टार का बिल देंगे और नाना से मोटी रकम वसूलेंगे। बेटा तू तो लाजवाब है। शर्म आ गई। अब मुंह बंद करो और चलो यहाँ से, बाप बेटा दोनों एक जैसे हैं। देखो बिल में GST भी ऐड करके अपने बाप से लेना, समझ गए ना? 1 रुपया भी नहीं छोड़ूंगा। क्या कहा आपने, बेटा से आए हैं ना? हाँ सही कहा, आपने कैसे पहचाना? मैं आपको देखते ही समझ गया था, दोनों जूते इसने जब आपको दिए तभी मैं इसे पहचान गया था, ये आदमी पेटा से ही हो सकता है। हाँ ठीक है, आप दफा हो जाएं यहाँ से। ऐसे नहीं जाऊंगा, ना ही आप लोगों को जाने दूंगा। आप और मैं दोनों पेटा से हैं, तो हम रिश्तेदार हुए ना। अच्छा तो ये बात है, तो एक स्वीट रूम 200 रुपए पड़ने पे दिला AC के साथ, क्योंकि तू भी पेटा का है और हम भी पेटा के हैं। होटल क्यों, मेरे साथ पेटाश्रम चलिए, खास अपने गांव के लोगों के लिए बनवाया है। क्या बात है, कहाँ है आश्रम? अरे पागल, आश्रम के नाम पे ये हमसे पैसे लूटेंगे, तुम समझती नहीं हो यार। अरे पापा, प्लान भूल गए क्या? तू तो लाजवाब है बेटा, चल चलते हैं। पेटाश्रम में सब मुफ्त है। अरे पापा, लॉटरी लग गई। देखो बाद में पैसे मांगोगे तो 1 रुपया नहीं दूंगा। मत लगाना हम पे। पापा हमसे कौन वसूलेगा? ही कहा बेटा। ठीक है चलो, उस तरफ। हाँ उसी तरफ चलते हैं। ये लोग गए। बेटी अलकनंदा,
सबको लगता है कि बद्री अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जिंदा है। सच में दादाजी? हाँ हाँ बेटी, देखना वो तुम्हें लेने यहाँ जरूर आएगा। आज तक मैंने अपनी बीवी की हर ख्वाहिश पूरी की है और अब वो चाहती है कि अलकनंदा मेरे घर की बहू बने। पंडित जी, बाबूजी आपको पसंद करते हैं, हर काम आपसे पूछकर ही करते हैं, आप तो जानते ही हैं। ये मुहूर्त आप निकालेंगे तो बाबूजी को बेहद खुशी होगी। बेहतरीन मुहूर्त निकालिए। लड़की की कुंडली के अनुसार उस बद्री क्षेत्र के पुनः आरंभ होने का दिन वैशाख शुक्ल षष्ठी का दिन सबसे अच्छा मुहूर्त है, लेकिन वो मुहूर्त आपके बाबूजी को पसंद नहीं है। क्यों? उस मुहूर्त में एक शुभ काम होते होते रुक गया। मुहूर्त वही रहेगा। मेरी शादी तो उस मुहूर्त में नहीं हो पाई, लेकिन इनकी पोती की शादी इसी मुहूर्त में होनी चाहिए। उसी मुहूर्त को फाइनल करो। मेरा बेटा कितना जाबाज है ना, जिसने मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अलकनंदा के मन में बसे बद्री को खत्म कर दिया। बनारस से सोने के तारों से बनी 1 करोड़ की साड़ी मेरा बेटा लाया है बहू के लिए। आप इस शगुन की थाली को लेकर इस रिश्ते को कबूल कर लीजिए ना। हर रोज न जाने कितने घिनौने काम करने वाले इस शख्स से मेरी पोती की शादी का जिक्र करके तुमने हमारी बेइज्जती की है। मैंने अपने बेटे से कहा था कि इस औरत को मार डाले, लेकिन जानती हो इसने क्या कहा? जो औरत मेरी बेटी से प्यार करती हो उसे मैं कभी भी खत्म नहीं कर सकता। अगर मेरे पास में होता तो मैं उसी वक्त तेरे छोटे छोटे टुकड़े कर देता। जब तक तेरी सांस चलती रहेगी तू ये शादी कभी नहीं होने देता, इसीलिए तेरी सांसें रोकती। दादाजी ले आओगे आपको, मान लिया दादाजी। पंडित जी, मुहूर्त तो मैं भी निकाल लिया करता हूँ, समझ गए? सर झुकाए खड़े हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सही हो। सर झुकाए खड़ा है इसका मतलब ये नहीं कि वो मुजरिम है। हम गुरुजी के सामने कभी अपना सर। चुप करो। भगवान पर यकीन न करने वाली लड़की बद्रीनाथ आई तो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे दीवानों की तरह घूमने लगा। आखिर ये प्यार नहीं तो और क्या है? मंदिर बंद होते वक्त जब वो लोग उस लड़की को ले जा रहे थे तब गुरुजी के सामने आशिकों की तरह उसका नाम पुकार रहा था। अगर उसे मोहब्बत नहीं थी तो उसका नाम क्यों चिल्ला रहा था? ये सच है इसलिए इसका सर झुका हुआ है। दरअसल हमारे गुरुजी से सिर्फ एक खता हुई, तेरे बारे में सब कुछ जाने बिना ही तुझ पर यकीन किया। हजारों शिष्य होने के बावजूद तक्षशिला का वारिस तुझे बनाने का फैसला किया। इसे लेकर दफा हो जाओ यहां से। यकीन मानिए मैंने कोई गलती नहीं की गुरुजी, मैं सच कह रहा हूं। बेटा बेटा क्या कर रहे हो तुम? तो बेटा ऐसा मत करो बेटा, जिसने तुझे जिंदगी का सबक सिखाया वो ये भूल गए कि उन्होंने तुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया। गुरुजी, बद्रीनाथ की कसम खा के कहता हूं, ना मैंने आज तक किसी लड़की से कभी प्यार किया, ना आज के बाद कभी करूंगा। जो करने से आपको तकलीफ हो, जिसके आप खिलाफ हो, वो काम मैं नहीं करूंगा। मैं सच कह रहा हूं। अपना वादा याद रखना और मेरा भरोसा मत तोड़ना। शुक्रिया गुरुजी। यहाँ सांप बिच्छू घूमते हैं, संभल कर। अरे सुबह से चला रहे हो, कब पहुँचेंगे हम? बस हम आ ही गए, वो सामने दिख रहा है, वो है पेटाश्रम।
आइए आइए छोटे ठग। कौन है बे? बेटा से दो नन्हा और एक मुन्ना आया है। बेटा झोल 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 कैसा झोल? झोल बोले तो जो पेटा से आते हैं हम उनकी झोली भर देते हैं। हाँ बेटा के लोग हमारे सगे हैं। हाँ सही पकड़े, बिल्कुल सही पकड़े हैं। बेटा 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 ये सर्कस क्यों दिखा? बेटा के लोगों को देखकर के दीवाने हो जाते हैं। अरे बंद करिए। बेटा से मेरा जन्मों का नाता है, बरसों बाद कोई आया है, जिसका था इंतजार आ गई वो बाहर, आ गया बेटा। बेटा 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 हमें लालच दे के यहाँ तो ले आया, पर शक्ल से पेटा वाला तो नहीं लग रहा, मुझे तो कोई चोर लगता है, मैंने तो इतने सारे गहने भी पहन रखे हैं। बेटा बेटा कर देखो, ये हम अमीरों को देखकर कुछ ज्यादा ही भावुक हो रहा है। तुम्हारा दिल बिल्कुल सही कह रहा है। क्या कहा? दिल? मौत की आंखों में धूल झोंक कर मुझ जैसे 500 सालों से जीने वाले को नहीं। 500 साल? सबूत चाहिए। ये है वो अनमोल हार जो अकबर बादशाह ने दिया था। ये इतना अनमोल है कि बिकेगा ही नहीं। छोटे की तरफ से बड़ा तोहफा, तुम रख लो और दफा हो जाओ, लेकिन मेरे जिंदा रहने का राज मत पूछना। क्यों ना पूछे, वोट दिया है भाई, जाने का पूरा हक है। तू तो लाजवाब है बेटा, लेकिन स्वामी जी आप देखने में तो 50 साल के लगते, फिर आप 500 साल कैसे जिए यकीन नहीं हो रहा। देखिए इनके गुरुजी ने इन्हें अमर टॉनिक दिया था, इसलिए उम्र का पता नहीं चलता। अरे वाह बेटा, बोले तो बेटा से, मैं बेटा से, हम सब पेटा से, बोल दे बेटा। तो सिर्फ पेटा वाले अंदर जाएंगे, चलो चलो चलो। आइए आइए, आपका स्वागत है। वो देखिए गांधी जी के साथ छोटे बाबा, मदर टेरेसा के साथ भी हैं, और नेहरू जी के साथ भी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, काफी लोगों ने उनके साथ फोटो खिंचाई होगी। यही तो, ये देखिए बालक गांधी जी के साथ, छोटी मदर टेरेसा के साथ, छोटे नेहरू जी के साथ। ये तो बुद्धा से भी मिले थे, पर उस समय फोटोग्राफर नहीं था ना इसलिए। आप लाजवाब हैं स्वामी जी, आप लाजवाब हैं। 500 साल इंसान जिएगा यकीन नहीं होता, आपको देखकर यकीन हो गया है। मैं सही कह रहा हूँ भगवान? इन्हें देखकर आपको ये लग रहा है, इनके गुरु जी की उम्र तो 2000 साल है। 2000 साल? कोई इंसान 2000 साल जी सकता है? क्यों, क्या पेड़ नहीं जी रहे, चांद चमक नहीं रहा, फिर इंसान क्यों नहीं जी सकता? गुरुजी तो जिंदा रहे, मुझे भी रखा। ये बात तो सच है। हमारे गुरुजी ठग बाबा की जय। सुनिए हम उनसे मिल सकते हैं? उसमें क्या है, वो तो अमर टॉनिक से तुम्हारी उम्र भी बढ़ा देंगे। पापा अमर टॉनिक पी के आते हैं। अरे इतनी उत्सुकता मत दिखाओ वरना पैसे खींच लेंगे। नहीं नहीं वो भी एक पैसा नहीं लेंगे। पापा फ्री में तो चॉकलेट भी नहीं मिलती। अब इतनी जिद कर रहे हैं तो चलते हैं। मुर्गा फंसा। भाई थोड़ी सी बची है, हमारे लिए छोड़ दो ना प्लीज। प्लीज छोड़ो ना। ले मारती इसे, इसने मेरी बेइज्जती की थी और इसकी सजा इसे ताउम्र मिलेगी। आसानी से नहीं छोड़ूंगी इसे। विकी इसका ख्याल बहुत प्यार से रखना। चल बस
चुप कर जा, मेरे होते मुझे कुछ नहीं होगा। बद्री, उम्मीद करती हूँ तुम ठीक होगे। करती हूँ तुम ठीक होगे। दादाजी को इन्होंने खत्म कर दिया। दादाजी ने बताया था कि तुम जिंदा हो, ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई। ज्योति दर्शन करने से मेरी मोहब्बत मुझे मिलेगी, इसी भरोसे के साथ मैं जिंदा हूँ। मैं यहाँ बहुत मुश्किलों का सामना कर रही हूँ, अगर हो सके तो जल्दी से आकर मुझे यहाँ से ले जाओ। एक लड़की के लिए खून खराबा करने वाले अपने शिष्य को बद्रीनाथ आने से मना कीजिए ना गुरुजी। वो क्यों? टेंपल ट्रस्ट और उत्तराखंड का कानून है गुरुजी। शक के आधार पर मेरे शिष्य को अनुमति न देने के लिए बद्री क्षेत्र में मैं नहीं आऊंगा। मुझे छोड़कर वो नहीं आएगा, उसे छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। कलाखंड ज्योति जलाकर 6 महीनों तक मंदिर के दरवाजे बंद करने का शुभ दिन है। आ जाओ, दिल से ठग बाबा को बुलाओ। बाबा, ठग बाबा, क्या हुआ, वो आ नहीं रहे? आएंगे। ठग बाबा, आपका चेला आया है। अरे, ये क्या, आपके बुलाने पर भी नहीं आए? ये बच्चों का खेल नहीं है बाबा। पेटा से 2 नन्ना और 1 मुन्ना आया है। पेटा से हमारे शरण में आओ। बेटा तू तो लाजवाब है, तुझे कैसे पता था ये इस तरह आएंगे? आसान है पापा, ये भी तो ऐसे ही हाजिर हुए थे। बादाम खाते हो? सोना बेटा, गोल्ड। चलो ठग बाबा को छोटे ठग का नमस्कार। ठग बाबा, मेरा भी नमस्कार। ठग बाबा सबका भला करेगा, सबका। छुपाओ। ये कौन सा वर्ष चल रहा है? 2021 बाबा। अच्छा, अनजाने में मैं 500 वर्ष तक तपस्या कर बैठा। सही फरमाया। आप 500 साल से तपस्या कर रहे थे? हैरान क्यों हो रहे हो, ये तो बाबा के लिए मामूली बात है। 2021 तक क्या क्या हुआ बताऊं? आवश्यकता नहीं, मुझे सब ज्ञात है। कोरोना महामारी आई? आई बाबा। इंडिया वर्ल्ड कप हार गया ना? हार गया बाबा। अच्छा, तो वो अली बाबा के खजाने का जो एड्रेस दिया था वो तुमने निकाल लिया ना? अरे अरे, भूल गया बाबा। भूल गए थे, मतलब वो दफन हो गया होगा? अब तो वहाँ मॉल बन गया। नहीं, ये गुस्सा मत कीजिए, माफ कर दीजिए बाबा। बबम, तू डॉगी बन जा। जा जा जा।
बाबा आप तो लाजवाब हैं, आप लाजवाब हैं। थैंक यू। आप लोग पेठा से आए हैं ना? हाँ गुरुजी, वही से आए हैं। वाह, 1500 साल पहले उस गांव के झरने में मैं नहाया करता था। वो झरना सूखा तो नहीं? आप पेटा से आए हैं? आया था। वो भी 1500 साल पहले? आप 2000 साल से जिंदा हैं, तो आप डायनासोर के साथ खेले होंगे ना? उनके साथ कबड्डी खेला हूँ, डायनासोर के बच्चों को तो गोद में खिलाया है मैंने। यहाँ पे कई बादशाह जैसे टीपू सुल्तान भी सलाम करने आते थे, मैं उन्हें नजरअंदाज कर देता। वो टीपू थे क्या? वो तो 300 साल पहले ही आया था ना। अरे चले, तुम जिसकी बात कर रहे हो वो 7वीं पीढ़ी का था। अगर इन्हें गुस्सा आया तो ये पूरी दुनिया को जलाकर फिर से नई दुनिया को बसाएंगे। अरे नहीं बाबा, अब मैं सवाल नहीं पूछूंगा। जला दो बाबा। स्वामी जी, हमारी जीने की वैलिडिटी 100 साल बढ़ा दीजिए। हाँ बढ़ा देंगे, सिर्फ तेरी उम्र बढ़ानी है। नहीं, पूरे फैमिली की बढ़ानी है गुरु जी। ओहो, फैमिली पैकेज, एक के साथ 2 फ्री। ठीक है। तुम लोग एक काम करो, उस दीवार को देखते हुए ध्यान में बैठो। चलो चलो चलो, जल्दी चलो पापा, जल्दी जल्दी। अब सुनो, मैं जो मंत्र कहूंगा जी गुरुजी, उसे तुम जोर जोर से 101 बार जपोगे। जी गुरुजी। मंत्र उच्चारण के दौरान तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारा पर्स, चेन या घड़ी उतार रहा है, लेकिन कुछ भी हो जाए आंखें मत खोलना। खोली तो क्या होगा गुरुजी? तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी बच्चा, जानवर में तब्दील हो जाओगे। नहीं खोलेंगे, तुम भी मत खोलना, तुम भी मत खोलना। आंखें बंद। ठग बाबा आएंगे, सब लेकर जाएंगे। 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 सुनिए जी, मेरे जिस्म से कोई गहने उतार रहा है। पगली कहीं की, जैसा बोला था वैसे ही बोलो। ठग बाबा आएंगे, सब लेकर जाएंगे। पापा, किसी ने मेरे गले से चेन निकाली। बाबा ने यही तो कहा था ना, ठग बाबा आएंगे, सब लेकर जाएंगे। ठग बाबा की जय, सब लेकर जाएंगे। ठग बाबा आएंगे, मेरा कोर्स पूरा हो गया, आंखें खोल लो। पूरा हो गया हो तो खोल लो। बाबा आएंगे, सब लेके जाएंगे। सुनिए ना, बाबा आएंगे, सब मेरा पूरा नहीं हुआ अभी। अरे कहाँ ना, आंखें खोलिए। क्या है? जरा सामने तो देखिए। अरे क्या देखूं उधर? आज तक तू अपने बीवी के बाप को ठगता आया है, जैसी करनी वैसी भरनी, सबका प्यारा ठग बाबा। बाबा बाबा, अरे कहाँ गए बाबा? ये क्या हो गया? तुम्हारे पप के चक्कर में मेरे सारे गहने लेकर वो रफू चक्कर हो गए। पापा, उम्र बढ़ाने चले थे या तो खत्म हो गए। पोस्टमैन, यहाँ साइन कर दीजिए। अलकनंदा, बद्रीनाथ से पार्सल आया है। ये क्या? ये नारायण पर्वत की मिट्टी है। मिट्टी है? अरे क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो, रुक जाओ। इसकी जरे जरे में श्री हरि विष्णु है। ये क्या बकवास कर रही है? इसका दिमाग खराब हो गया है, संभालो इसको। बेटा अलकनंदा, हम मुसीबत में और वहाँ से मिट्टी आई है। इनको खबर नहीं होनी चाहिए कि बद्री अब भी जिंदा है। पचास तोला। हिस्सा मैं बांटूंगा, 30, 60, 90। तेरा ज्यादा क्यों? ओ, 3 तेरा 3 इसका, 4 मेरा। अब भी ज्यादा हो रहा है। तो 5 मेरा। तू कर रहे, कोई पैक बना रहा है क्या? मेरा 30, तेरा 60, तेरा 90 है? ये ले, ये तेरा थू, ये तेरा थू, ये मेरा थू 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 थू, ये छोटा तेरा, ये दूसरा छोटा तेरा, ये बड़ा वाला मेरा। और मेरा हिस्सा? नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, यहाँ भी पहुँच गया। ये भी आ गया, अरे मर गए। लूटने काटने के बाद बांटना होता है, और तू बांटने से पहले ही चला आया। बद्री, अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो वो खाएगा क्या? हा? बड़ी मुश्किल से चोरी में PhD हासिल की है, आसानी से माल हाथ से नहीं जाने देंगे। सही कहे ठग, थैंक यू। अब बकबक बंद करो और गहने लौटा दे। ये आज सिर्फ चोरी करता है, लौटाता नहीं। ये आगे ले ले रे। चलो जी। अरे मेरे गहने, ये जो पहना है ना वो भी मेरा है। इधर ला। पापा, उनका भी सोना ले लो।
अरे वो तो उसका है। चुप रहो पापा, बस मेरी हाँ में हाँ मिलाओ। वो जो अंगूठी पहने वो भी हमारी ये है। मेरी है। चोरी का सबक हमसे सीख के हम पे आजमा रहा है। चोरों के बाद ने खुश होकर मुझे ये अंगूठी दी थी। नहीं सर, ये मेरे पापा ने मेरे नाना जी से लूटी है। पापा हाँ बोलो। दुकान हमारा पैतरा हम पे ही आजमा रहा है। मेरे सर की कसम, ये सब ईमानदारी से सिर्फ अंगूठी जाएगी, मैं निकालूंगा तो अंगूठी के साथ उंगली भी जाएगी। नहीं बद्री, उंगली बड़ी प्यारी है, बाद में उंगली करने के काम आएगी। ये लो पापा, मुनाफा करा दिया है। अब चलता हूँ। चलो 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 बद्री, कर लो बद्री, तुम्हारे इशारों पर अब तक नाचते आए हैं। पहाड़ों पे जाओ तो तुम जमीन पे आ जाते हो, अब कहाँ तक पीछा करोगे? आखिर हम अपना गुजारा कैसे करें? ईमानदारी से चार पैसों में भी खुश रह सकते हैं, बेईमान को खजाना भी कम पड़ता है। क्या कहा, खजाना? एड्रेस बता। ए तू नोट कर भाई, अभी कुछ नहीं होगा, नया ठिकाना ढूंढ के एड्रेस भेजता हूँ। हर चीज मैंने तेरे कहे मुताबिक की है, अब तू ही बता पहला कार्ड किसके नाम लिखूं? राजगुरु की दुआओं से ही हमें सब मिला है, उन्हीं के नाम से पहला कार्ड जाना चाहिए। बोलो सरकार, कैसे आना हुआ? मेरे बेटे की शादी का कार्ड देने आया हूं। ये विवाह नहीं हो सकता। क्या हुआ गुरुजी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। मालिक, अलकनंदा घर से भाग गई। क्यों मारा? बद्री को खत्म करके इसे यहाँ लाने के लिए कहा था ना? हाँ तो मार कर ही तो लाया। कैसे कंफर्म किया कि वो मर चुका है? इन्हीं उंगलियों से कंफर्म किया था मैंने, वो मर चुका था। नहीं, वो जिंदा है, इसीलिए ये भाग रही है। क्या बात है सरकार, अब समझ आया तुम यहाँ कैसे राज कर रहे हो। इनके लिए तो मन में जरा भी इज्जत नहीं है, लेकिन आपको इज्जत देने का मन कर रहा है। आप मुझे इनकी बहू बनाएंगे, यही वादा किया था ना आपने इनसे। लेकिन बद्री ने भी मुझसे वादा किया है कि वो मुझे किसी भी हालत में यहाँ से ले जाएगा। आपने मुझे तो यहाँ से जाने से रोक लिया, लेकिन बद्री को यहाँ आने से रोक नहीं पाएंगे। मैं रोकूंगा, कायनात में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मैं ना कर सकूं। उसके साथ तेरा भी गुरूर खत्म करूंगा। सरकार, पूरी कायनात में सबसे ताकतवर चीज क्या है जानते हैं? टेंशन को पेंशन दीजिए, मैं बता देता हूँ, प्यार। नहीं, बद्री, मेरे बद्रीनाथ। गलती से भी उनका सामना करने की कोशिश मत करना, तबाह हो जाओगे। बहुत जबान चलाती है। जिस लड़की को भगवान पर यकीन ही नहीं था, उसके दिल में यकीन क्यों जगाया? वो तुम्हारे भरोसे वहाँ बैठी है कि तुम आओगे और उसे बद्रीनाथ के दर्शन करवाओगे। मुसीबत में फंसी उस लड़की को मिट्टी भेज कर तुमने उसकी आस क्यों जगाई? हर एक धर्म हमें मोहब्बत करना ही सिखाता है, और जो मोहब्बत तुमने उसके दिल में जगाई है, अगर तुम वहाँ नहीं जाओगे तो ऊपर वाले से उसका भरोसा उठ जाएगा, और हो सकता है कि वो खुदकुशी भी कर ले।
अरे सुनो, जल्दी जल्दी काम करो, वक्त कम है। कौन हो तुम लोग? यहाँ कैसे आए? हमारे गुरुजी की गैर मौजूदगी में ये सब करने की? बता, बद्री कहाँ है? ए, अलकनंदा को लेने के लिए तेरे ही गांव गया है। तुम्हारे बेलारी में बस 10 मिनट में पहुँच जाएगा वो। तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। जा, चले जा यहाँ से। बद्री एक भड़कती हुई आग है, उसके करीब जाओगे तो खाक हो जाओगे तेरे बेटे के साथ। मतलब? हाँ, आज तक हमारी इजाजत के बिना मेरा कोई भी दुश्मन बेल्लारी में कदम रखकर जिंदा वापस नहीं लौटा। वो बद्री भी नहीं लौटना चाहिए, उसे वहीं पर दफना देना। अरे बाप रे, कदम रखने से पहले ही मैंने एक सर उड़ा दिया है। 4 कदम आगे बढ़ा तो कोई नहीं बचेगा। किसी से किया वादा पूरा करने के लिए आया हूँ, मेरे रास्ते में मत आना। तेरे लिए बेहतर यही होगा कि तू अलकनंदा के बारे में सोचना बंद कर दे, उसकी होने वाली बीवी है वो। मेरा रास्ता रोक के तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। भक्त और भगवान का मिलन कराना है, रास्ते से हट जाओ। क्या कहा? मेरी जगह पर आकर मुझे धमका रहा है? धमकी नहीं, चेतावनी समझो। काट डालो इसे। कहाँ जा रही हो? ऊपर जाओ। आओ, चलो, चलो। देख लीजिए स्वामी जी, ये हमारा तक्षशिला नहीं जल रहा, आपका बद्री के ऊपर यकीन जल रहा है स्वामी जी। हमारे जख्म तो भर जाएंगे, ये तक्षशिला भी दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन जिस लड़के को आपने हमारे धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए चुना, एक लड़की के लिए वो सब कुछ ठुकरा कर चला गया। हेलो, नकली हाथ पैर की दुकान? हमें 20 पैर 30 हाथ चाहिए और बाकी के ऑर्डर बाद में देता हूं तुम्हें। घबराओ मत, मैं अपनी दुकान नहीं खोल रहा हूं। एक अकेले आदमी ने हमारे आदमियों को बहुत मारा है, उनके लिए चाहिए। और बकवास बंद करो, धंधे पर ध्यान दो। मालिक, 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 पूरा घर अस्पताल में तब्दील हो गया है। आपका नसीब अच्छा था कि आप यहाँ मौजूद नहीं थे, नहीं तो एक नकली टांग और नकली हाथ आपके लिए भी मंगाना पड़ता। ये बात आप ही कहते थे ना कि दो प्यार करने वालों को कभी जुदा नहीं करना चाहिए। मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। उसे छोड़ूंगा नहीं। छूना मत। 1 करोड़पति बाप की लाडली बेटी थी मैं। दुनिया भर के रिश्तों को ठुकरा कर तुमसे शादी की थी मैंने, और वो भी मंडप से भाग कर। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग भी तुम जैसा शातिर है। आज से 20 साल पहले तुम बस एक मामूली गुंडे थे, और आज पूरे देश में तुम्हारी हुकूमत है। लेकिन तुम्हारी हुकूमत के बावजूद आज तुम्हारा बेटा इस हाल में पड़ा है। अब तुम पहले वाले सरकार नहीं रहे। शर्म करो, उस बद्री की वजह से आज मेरे बेटे की ये हालत हुई है। मेरे बेटे की आँख खुलने से पहले उस बद्री की आँख बंद होनी चाहिए। अलकनंदा मेरे बेटे के कदमों में होनी चाहिए। अब जाओ। Thank you.
रुक जाओ बद्री। भोलेनाथ की कसम खाकर कसम तोड़ी है तुमने, इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओ। इनकी हम क्यों सुने, चलो। वो मेरे लिए सिर्फ गुरु नहीं, भगवान समान है। तुम्हें अपनी इच्छा पूरी करनी है, जाओ जाके ज्योति दर्शन कर लो, अब जाओ। लेकिन जाओ। आकाश गंगा मैं हूँ, अलकनंदा मैं, नंदिनी मुझसे कहा गया था कि ज्योति दर्शन करने के बाद मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, अब बस जल्दी से उसे पूरा कर दीजिए प्लीज। खुश तो बहुत हूँ लेकिन पूरी तरह नहीं। जब तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाएगी तो पूरी तरह खुश हो जाओगी। तुम बुद्धू हो बद्री, तुम जानते भी हो किससे मोहब्बत। उसे खत्म करके अलकनंदा को ले आओ। वहीं रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। बद्री, बद्री, मैं इसे यहाँ लाया क्योंकि इसे ज्योति दर्शन कराने का वादा किया था। मैं इससे प्यार करता हूँ, इस गलत फहमी की वजह से तुमने मासूमों की जान ली है। मैं सिर्फ इससे ही नहीं, दुनिया की किसी भी लड़की से प्यार नहीं करता। मेरा जन्म मेरे गुरु के लिए है। आप बस हुक्म कीजिए गुरुजी, मैं आपके लिए अपना जीवन त्याग दूंगा। गुरु अगर शिष्य से माफी मांग पाता तो कितना अच्छा होता। गुरुजी, पूरा ब्रह्मांड विश्वास के ऊपर चल रहा है, उस विश्वास के सामने मैं हार गया, तुम जीत गए। जाओ दर्शन करो। भीष्म नारायण, इससे कहिए ज्योति दर्शन करने से ख्वाहिश पूरी होती है, ऐसा हम जैसे मासूमों को झूठा दिलासा ना दे। बद्री, मैं किससे मोहब्बत करती हूँ तुम जानते हो, तुमसे। मन में पति किसे माना है जानते हो, तुम्हें। क्या रे, जो मुंह में आया बक रही है, मार डालूंगी, चल। नहीं नहीं, एक मिनट ठहर जाइए, उसके बाद जो मर्जी है वो कर लीजिए। ए बद्री, ना जाने यहाँ कितनी दूर दूर से लोग अपने मन में मुराद लेकर आते हैं, इसी आस में कि उनकी मन्नतें पूरी होंगी, लेकिन हकीकत में भगवान है ही नहीं, और सिर्फ यही नहीं, दुनिया में कहीं भी नहीं है। मत आओ यहाँ, विश्वास मत करो, सब झूठ है। बद्री, बद्री मुझे रोक लो, बद्री मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, प्लीज मुझे रोक लो, बद्री मुझे रोक लो, बचा लो मुझे, बद्री।
सकती, प्लीज बद्री बचा लो मुझे। ठहर जा बद्री, उस भगवान के लिए तुम्हारे दिल में जितना प्यार है उससे कहीं ज्यादा प्यार ये लड़की तुमसे करती है। बद्री! मेरे शिष्यों में से कोई भी मेरा वारिस बन सकता है, लेकिन उस लड़की के लिए उसका पति सिर्फ तुम ही बन सकते हो। बद्री! बद्री! श्री हरि विष्णु इस बद्रीनाथ के जर्रे जर्रे में है यह साबित करने का जिम्मा मेरा है। आज तक तुम मेरे आदर्शों पर जीते रहे, पर अब मेरा हुक्म है कि तुम इस लड़की के लिए जियोगे। बद्री! जाओ उसे लेके आओ। मैं इस जमीन पर तुझ जैसे पापी का खून नहीं बहाना चाहता। दोबारा अलकनंदा की ओर देखा तो खत्म कर दूंगा। अलकनंदा, मेहरबानी करके अब इसे मत रोकना। तुम मेरी प्राण ज्योति लेके जा रही हो, पर इससे भी ताकतवर, इससे भी धैर्यशील जल्दी तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाला है, उसे तुम मुझे सौंप देना।